सेंट जोसेफ चर्च ग्रेटर नोएडा में हम सभी पल्लीवासी एवं सभी विश्वासी मिलकर क्रिसमस यानी प्रभु येसु का जन्मोत्सव मना रहे हैं। सेंट जोसेफ चर्च ग्रेटर नोएडा में हम सभी पल्लीवासी एवं सभी विश्वासी मिलकर क्रिसमस यानी प्रभु येसु का जन्मोत्सव मना रहे हैं। प्रभु येसु का जन्मोत्सव न केवल ग्रेटर नोएडा में बल्कि सारी दुनिया में हम सभी मिलकर मनाते हैं, क्योंकि प्रभु येसु ने हम सभी को प्रेम एवं एकता का संदेश दिया। और आज जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो हम सारी ग्रेटर नोएडा के वासियों को, सारी लोगों, सभी लोगों को यही संदेश देते हैं कि हम सभी आपस में प्रेम और एकता से रहें और प्रभु का जो संदेश है वो एक दूसरों को फैलाते हुए, परिवारों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हुए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ रहे और एक दूसरे को सहारा देते हुए जीवन बिताने के लिए प्रभु येसु हम सभी को आह्वान देते हैं। वही आह्वान आज मैं आप सभी को देता हूं कि हम सभी एकता से रहे और प्रेम से रहे और ईश्वर के संदेश एक दूसरे को पहुंचाने के लिए मदद करते रहे। क्रिसमस ट्री और चरनी जो है, इसका क्या खासा महत्व है? क्रिसमस ट्री और क्रिसमस चरनी, ये दोनों प्रभु येसु के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि प्रभु येसु एक ईश्वर होते हुए भी वह एक साधारण मनुष्य के रूप में एक चरनी में जन्म लिया। प्रभु येसु यह चरनी में इसलिए जन्म लिया ताकि एक साधारण व्यक्ति के रूप में मानव के उद्धार के लिए कार्य करने के लिए पिता परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है, और इसलिए वो चरनी में जन्म लिए एक साधारण मनुष्य के साथ और साधारण मनुष्य के रूप में जीवन बिताते हुए उन्होंने हम सबका उद्धार किया है। और क्रिसमस ट्री यानी हरा भरा हमारा जीवन हमेशा खुशहाली से भर दे, और जब पेड़ पौधे हरियाली होते हैं तो हमारे जीवन में भी हरियाली यानी खुशी होना चाहिए, और वही खुशी हम एक दूसरे को बांटते हैं।
क्रिसमस के अवसर पर हम खुशी बांटते हैं, हम खुशी से जीना चाहते हैं, एक दूसरे को खुशी बांटते हुए खुशी से जीने के लिए आह्वान देते हैं।